वेलकम टू ईट आवर न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लो डाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर. तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस. थग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर नर्वस आमिर ने किया बड़ा कारनामा. प्रियंका चोपड़ा के भारत की एग्जिट की असली वजह का हुआ खुलासा. लव सोनिया की टीम ने की जूम से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन. क्या सलमान का अनप्रोफेशनल बिहेवियर बना प्रियंका चोपड़ा के भारत फिल्म से वॉकआउट करने की वजह? प्रियंका चोपड़ा का सलमान खान की फिल्म भारत से वॉकआउट करने के मूव ने सभी को चौंका के रख दिया था. ये न्यूज जल्द ही बन गया था टॉक ऑफ द टाउन. कैटरीना स्टेप्ड इन एज प्रियंकाज रिप्लेसमेंट इन द फिल्म एंड स्पेकुलेशन सून बिगन अबाउट द रीजन बिहाइंड प्रियंकाज एग्जिट फ्रॉम द फिल्म. ज्यादातर सुनने में आया था कि प्रियंका की अपने फियांसे निक के साथ एंगेजमेंट थी प्रियंका के इस मूव की वजह. जब सलमान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कैसे पहले तो प्रियंका ने खुद ही इस फिल्म में काम करने के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, पर फिर लास्ट मोमेंट पर कर गई फिल्म से वॉकआउट. वेल, इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, प्रियंका की भारत छोड़ने के पीछे की वजह अब फाइनली आई है सबके सामने. And as one would think, Nick Jonas नहीं थे प्रियंका के एग्जिट की वजह, बल्कि प्रियंका इस बात से नाखुश थी कि इस फिल्म में उनके अलावा और दो एक्ट्रेसेस दिशा पाटनी और तबू भी नजर आने वाली हैं. साथ ही जब प्रियंका को सलमान के काम करने के तौर तरीकों के बारे में पता चला, she became hesitant about the project. प्रियंका फाउंड आउट तक सलमान सेट पर देर से आते हैं और लंच के बाद ही शूट करना शुरू करते हैं. इसके अलावा उनकी एक्ट्रेसेस को उनके बिना ही उनके साथ के सीन्स शूट करने पड़ते हैं. आफ्टर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, पीसी जस्ट वाजंट थ्रिल्ड अबाउट वर्किंग इन सच एन एटमॉस्फेयर. और शायद यही उनके इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट करने का रीजन भी बन गया. आमिर खान ने थग्स ऑफ हिंदुस्तान अपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स को दिखा दी. आखिर रिलीज से पहले ही आमिर ने थग्स ऑफ हिंदुस्तान के रफ कट दिखाने का क्यों लिया फैसला? मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के फैंस उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट थग्स ऑफ हिंदुस्तान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं आमिर अपनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर हैं बेहद नर्वस. जहां कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी कि आमिर पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान फिल्म की ड्यूरेशन को कम करने और एंडिंग को चेंज करने में लगे थे, वहीं अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग रिसेंटली आमिर ने अपनी फैमिली और इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के लिए फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जहां फिल्म के रफ कट को दिखाया गया. बताया जा रहा है कि आमिर अपनी फैमिली और दोस्तों से फिल्म के लिए उनका फीडबैक लेना चाहते थे. अपेरेंटली जिसने भी आमिर की थग्स ऑफ हिंदुस्तान की स्क्रीनिंग देखी, उसे फिल्म बेहद ही ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग लगी. अपेरेंटली पीपल वर सो ग्रिप्ड बाय द फिल्म दैट दे कुडंट स्टॉप रेविंग अबाउट इट, बट दे आल्सो गिव हिम सम वैल्यूएबल फीडबैक. विजय कृष्णा आचार्य के डायरेक्शन में बनी थग्स ऑफ हिंदुस्तान फिलिप मेडोज टेलर के नॉवल कन्फेशंस ऑफ अ थग पर बेस्ड है, जिसमें आमिर के साथ मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख और कैटरीना कैफ भी नजर आएंगी. बताया जा रहा है कि आमिर ने अपनी इस मोस्ट अवेटेड 3D फिल्म को तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में भी डब करवाने का फैसला लिया है. इसके पहले आमिर खान की दंगल को तमिल वर्जन में रिलीज किया गया था, जिसे जबरदस्त सक्सेस मिली थी. वेल, वी होप थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आमिर की ये मेहनत रंग लाए और बॉक्स ऑफिस पर वो बनाए एक नया रिकॉर्ड. संदेश अगाधे, जूम, मुंबई. न्यू कमर्स आयुष शर्मा और वरीना हुसैन नहीं चाहते कि उनकी डेब्यू फिल्म लवरात्रि के प्रमोशंस में रह जाए कोई भी कमी, और ट्यूसडे को इन दोनों ही स्टार्स को एक बार फिर किया गया स्पॉट लवरात्रि के एक प्रमोशनल इवेंट पर अपने डायरेक्टर अभिराज मीनावाला के साथ. ट्यूसडे नाइट को फिल्म लव सोनिया के मेकर्स ने होस्ट की एक स्पेशल स्क्रीनिंग,
जहां अनिल कपूर, स्वरा भास्कर, हर्षवर्धन कपूर, विक्रमादित्य मोटवाने, फ्रीडा पिंटो और अली फजल जैसे स्टार्स आए नजर। लव सोनिया सितंबर 14 को होने वाली है रिलीज, जिसे लेकर फ्रीडा ने शेयर की अपनी एक्साइटमेंट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस फिल्म के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ 10 सालों के लिए अभी। सो दिस इज अ बिग सेलिब्रेशन। द फिल्म इज फाइनली आउट। I just hope it appeals to the Indian masses the way it has appealed to all of the actors. And the reason why we did this is because we're very passionate about the subject. So I hope it translates to the rest of India. Yamaha Fasino Miss Diva Universe 2018 Neha Chudasama recently pahunchi apne college, jahan unhein unki is achievement ke liye kiya gaya felicitate. Yahan Nehal ne apne college fest ko bhi kiya inaugurate. I have been through failures for winning this title itself, if I go on to saying I've been through failures, but I'm a person who believes in the saying that fall 1,000 times, but get up the next morning. And I want you all to keep that in your mind as well. Fall not 1,000, fall 1,000,000 times, but get up the next morning. Well, इसके बाद नेहल एक NGO भी पहुंची, जहां उन्होंने किड्स के साथ स्पेंड किया कुछ टाइम। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सीम्स लाइक इन दिनों करीना कपूर हैं ऑन अ फिल्म साइनिंग स्प्री। सबसे पहले करीना एंड अक्षय स्टारर फिल्म गुड न्यूज की अनाउंसमेंट की गई, और उसके कुछ ही दिनों बाद करण जौहर ने अपनी एम्बिशियस एपिक वॉर ड्रामा तख्त की अनाउंसमेंट की, जिसमें करीना नजर आएंगी प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट। बट आफ्टर दीज टू मेजर प्रोजेक्ट्स इन हर किटी, करीना बहुत जल्द एक और फिल्म साइन कर सकती हैं। द बी टाउन डीवा हैज बीन अप्रोच्ड फॉर अ स्टोरी सेट इन द डार्क कॉमेडी जॉनर। इफ शी गिव्स अ नॉड टू दिस ऑफर, करीना इस वुमन सेंट्रिक फिल्म में एक विलेज बेल के रोल में दिखाई देंगी। कुछ दिनों पहले ही अपने मालदीव्स वेकेशन से लौटी करीना जल्द ही इस फिल्म की नरेशन सुनने वाली है। रैपिंग अप गुड न्यूज इन मार्च, करीना विल हैव अनदर 4 months टू स्पेयर फॉर दिस फिल्म बिफोर शी स्टार्ट्स विद करण्स मैग्नम ओपस तख्त। एक्टर ऋतिक रोशन, जो आजकल बिजी है फिल्म सुपर 30 के पोस्ट प्रोडक्शन में, रिसेंटली अपने किड्स रेहान और रिदान के साथ गए एक एडवेंचर ट्रिप पर, और कैसी रही उनकी ये ट्रिप, लेट्स टेक अ लुक। एक्टर कार्तिक आर्यन आजकल मथुरा में कर रहे हैं लुका छुपी की शूटिंग, और ब्रेक वाले टाइम में वो किस तरह से खुद को रखते हैं बिजी, आप भी देखिए। एक्टर रितेश देशमुख रिसेंटली वेटरन एक्टर रंजीत के साथ जैसलमेर के लिए हुए रवाना, जहां वो करेंगे हाउसफुल 4 की शूटिंग, और शूटिंग से पहले दोनों ने कुछ इस तरह शेयर की अपनी एक्साइटमेंट। सो वी आर ऑफ फॉर हाउसफुल 4। और अब आपको दिखाते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स कैसे रखते हैं खुद को फिट, जहां रेस 3 एक्टर साकिब सलीम ने शेयर की अपने जिम से ये वर्कआउट वीडियो, वहीं धड़क एक्टर ईशान खट्टर ने भी शेयर किए हैं ये ग्लिम्पसेस ऑफ हिज इंटेंस वर्कआउट। जबकि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने पोस्ट की है एक स्पेशल वर्कआउट वीडियो, जिसमे उन्होंने मिक्स किया है वर्कआउट के अलग अलग फॉर्म्स को। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जोर शोर से कर रहे हैं अपनी फिल्म सुई धागा को प्रमोट, और रिसेंटली ये दोनों पहुंचे माधुरी दीक्षित और शशांक खेतान के डांस रियलिटी शो में अपनी फिल्म को प्रमोट करने। यहां वरुण ने शशांक को सुई धागा चैलेंज भी दिया। शशांक खेतान, द वर्ल्ड फेमस जज ऑन डांस दीवाने, प्रैक्टिसिंग फॉर द सुई धागा चैलेंज। ही इज गोइंग टू बी गोइंग वन ऑन वन। इट इजंट। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। हाय, आई
I'm Alia Bhatt and you're watching me on Style Diaries. Between a tote and a sling bag, I would definitely prefer a sling bag because just a little bit of a hassle to constantly carry the tote. And the sling bag is nice and compact and you can put just the things you need and not extra things. The most treasured bag in my closet, honestly, I feel like every occasion calls for a different bag, so I can't have just like one bag that I swear by, but I can say that a treasured style would definitely be the backpack style. My one style trend that I didn't understand was the fringe trend. I just didn't understand it. To me, it just looked very, you know, in the middle and random. So I never even, I mean, I think barring a jacket or something, I never really wore that fringe trend. The memorable fashion moments are usually good only, I would like to believe. For me, I think when I won my Filmfare award last year for Urta Punjab, I was wearing, strangely, I was wearing Prabal. Today also I'm wearing Prabal. And even then I had a hair up in a pony and now also, so it was a bit strange. But yeah, it's one of my favorite looks. Kangana, I love her styling and I love her wardrobe. I've grown to be very fond of Indian wear and Indian traditional looks. I feel like it's super comfortable and also looks very pretty. So I think right now I'm maybe more inching towards the Indian look. But yeah, as I said, it all depends on the occasion. I borrow like accessories, like not borrow, is like I more take. I'm constantly taking Karan's sunglasses because he wears it once, twice, and then I'm like, you're not gonna wear it again, so it's mine. So I take his sunglasses and I take the bags that he buys. Leather, you have to have a super fit body, so I don't think I really have that right now, so lace. Flared jeans, maybe like for a brunch, but like high-waisted flared jeans with like a normal, like a white ganji high and heels and a nice bag. And ripped jeans with anything, yeah, with like a long trench and something inside. Sneakers nowadays looks good with everything. I can wear like a big, long, beautiful red carpet dress also and just team it up with sneakers. But I don't have the height, so I can't do that. So, ye tha hamara aaj ka fashion segment. If you wish to follow similar trends, you can shop for similar styles on Myntra. Coming up on the show, Salman Khan ke ghar mein police wale aur lawyer ne kyun li entry? बिग बॉस में जाने से पहले टीवी स्टार सृष्टि रोड़े का हॉट अवतार हुआ वायरल। सृष्टि ने करवाया अपना हॉट फोटोशूट, जिसे उनके फैंस कर रहे हैं बेहद पसंद। रिपोर्टेडली जल्द ही सृष्टि बिग बॉस सीजन 12 में नजर आएंगी और घर में जाने से पहले उन्होंने करवाया अपना फोटोशूट। इसके पहले भी सृष्टि अपने सोशल हैंडल पर कई बार हॉट फोटोशूट को शेयर कर सुर्खियों में रही हैं। सलमान खान के घर में आया दबंग पुलिस वाला और एक वकील। चौंक गया तो आपको बता दें कि सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 12 की पहली कॉमनर जोड़ी हो चुकी है रिवील। इस बार शो का कॉन्सेप्ट है विचित्र जोड़ी। जी हाँ, घर के अंदर जाएंगी कुछ विचित्र जोड़ियाँ। नाउ द मेकर्स ऑफ द शो हैव इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट कॉमनर कपल, गेटिंग ऑल फैंस एक्साइटेड। द कॉमनर जोड़ी इज अ पुलिस ऑफिसर एंड अ लॉयर। शो का एक प्रोमो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस ऑफिसर निर्मल सिंह और लॉयर रोमिल चौधरी शो में कॉमनर जोड़ी के तौर पर एंट्री करते दिखाई दे रहे हैं। You know, it's a rare combination of amazing stories bringing together amazing actors, and this is one of those cases. Coming straight to Richa. Thanks, man. Yeah, rest of them are like... She was a diva on set, man. She was telling me, let's tell tell the real Richa stories. We hear actors getting impacted by roles, but rarely do you have actors who actually need therapy to sort of come out, because, you know, you sort of get so into the character. More than therapy, which I just went to in order to... See, the film is such, you meet all kinds of people during research and you meet people who've even like, you know, sold members of their family into the trade because of poverty and not having just any other alternative. So my reason for going to therapy was not so much to just detox from this project, but just seeking help and trying to understand how not to judge somebody else's condition, because life exists in a lot of grays. We are in a very privileged section in India, talking in English and sitting in this plush five-star. And this is not India. This is a fraction of it. All of us, we had to live this as truthfully as possible. And so it's not, like for me, I thought I was not impacted by it because I switch on, switch off very fast. Yeah.
But for days after, I had some nightmares about, you know, the filming process and everything. Yeah. So for that, I sought help, and I think it's good to seek help. Did you in any way, Frida, you know, watch a few things or in your own way, do your own research? Because I actually watched Monday as well. Oh, mm-hmm. Really? It's a classic. LA, yeah. Yeah. I watched it as well. Research went beyond watching films, pretty much like for Richa as well. It went beyond just watching films. It was actually interacting with some of these women. And what the Brace did, which was really helpful, is a couple of days when I was not filming, I think it was mostly Mrinal's days, I came to set and some of these girls were there on set. And I think they were there mainly to kind of also kind of give their advice on the authenticity of what the look is like and the setting and whatnot. And so some of my interactions with these girls also really informed how I was gonna play. I have this fantastic acting coach who actually said this to me. Your prep and your research and all of it is fantastic, but the day you walk onto set, leave it all out and come in ready to be spontaneous and to be able to play. You know, really play. So I played with these girls every day and it was a lot of fun. Sonagachi, did you see the reactions and the, you know, the apprehensiveness to interact and talk about this with you more? You know, because you're like a stranger to them. The point was for me, for his Sonia to be just naive and just be like raw, and she doesn't know what's happening. She's not aware about her body structure, like how, if she's voluptuous, if she's not, but the world looks at her in that particular way. Mm-hmm. He made sure that Riya, who plays Preeti in the film, we both went to Sonakachi, spent 2-3 days there. Day one, the girls were not really open about their story, and they were like, why should we share? Because, you know, the first thing that comes in their mind, first thing that is that, you know, they don't trust people easily around them. Obviously. But the fact that when they got to know that we are making a film, that, you know, more girls should be aware about it. Yeah. They shouldn't be going through the same journey that they have, you know, been suffering or they've gone through. So when we told them that it's for the girls, you know, we want them to be aware, we want them to be alert. Priyanka said it before, and she's discussed about how, you know, South Asian actors before were given roles that were so cliched and typical that it got very, like, boring to play such roles like that. And you know, so nobody took a stand saying that give us different sort of roles. Mm-hmm. Give us roles that we want to explore as an actor. I think that day, and, you know, Tabriz and I talked about it, the day that I see a film like Crazy Rich Asians made with Indians, you know, and where we're not stereotyped, where we get to tell our own story with the filmmaker that who understands our culture really well. Even today, and Tabriz and I are working on a project, and, you know, I pass it on to him and saying the story is written about an Indian, it's written from the point of view of India, and the kind of directors that we were submitted were all these directors who's probably never even traveled to India. And I was like, I'm sorry, these directors are not the right people to tell the story if they don't know the culture. So really, I think it's not just about talent in front of the camera, it's really about the talent behind the camera. Yeah. It's the storytellers, it's the writers, it's the directors, which really will change the subject matter. And Crazy Rich Asians was made by John Chu. Change for South Asians, like, monumentally? No. Are we ready for a Black Panther or a Crazy Rich Asians? Like you said, the female Avengers are sitting here. I love that. And so maybe we'll be the ones that do something like it. See the change around you of the attitude of people around you when you're working. Do you see them being more conscious? I don't think people are going to change like this, how they treat women or actors in the industry. But do you see them being, or even a little like scared to, you know, be the way they were before? Do you see that? I've actually had the good fortune of working with people who are already woke, sort of, and feminist in their own way, and sort of trying to make interesting films which were gender neutral or not classist or casteist in any way. Just being vocal has to do with social media, which in itself is a mixed blessing, because no matter what you say, whether you're Meryl Streep criticizing Donald Trump or you're just taking on a rape apologist, it's you have to pay for your opinion either way, in the form of trolling or some kind of backlash. But I think that's okay. We have the luxury to be vocal today because we also find strength in numbers. Yeah. We also find So true. Yeah, a lot of women. The reason why today I keep saying actresses are speaking up more, whether it's you know, mainstream. You're like Deepika talking about her, the some cleavage issue or depression, or
Anushka being trolled or Kangana, you know, talking about nepotism. All these people in their own way have said stuff that maybe actresses 10 years ago would not have said. Already there's the judgment made saying, "Achcha, you're from TV." Did that happen to you? Yes, I did. Yeah. But I made sure that I went to a lot of commercial auditions, and I used to make sure that whenever I go there, in the 30 seconds, I prove myself as an actor. Mm-hmm. And I did not want to have a tag, whether I'm a television actor, whether I'm a Bollywood actor, or if I'll be Hollywood, you know, I don't want that tag at all. Sure. Directors like Tabriz Noorani, who cast a television actor, and quite thankful. But of course, I'm extremely proud of, you know, being a part of television industry is because the fact that I can stand in front of such talented actors and deliver my dialogues without a fumble, or make sure that my light is okay and not bother about the hair and makeup. It's all because of television. I was groomed because of television. Are you outgrow your tag? Everybody, all of us, I've been art house pinup. Oh, yeah. Hollywood import, like, it doesn't matter. After some time, the tags go away. Yeah. Here's to breaking tags. Please don't tag anybody. Yeah. Hashtag no tags. Thank you, guys. Thank you. Lovely chatting with you all, and I'm looking forward to the movie.